दोस्तों वेलकम बैक टू इटली 24 विवेक। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलेंडर के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर आप लोगों को एग्जाम में फंसा देते हैं। तो क्वेश्चन कैसे हैं मैं बताता हूं आप लोगों को। जैसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, 15 जून 1949 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और इस ट्रिक के मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आप मात्र 5 सेकंड में कर देंगे। और जैसे कोई आपसे पूछ ले कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, किस दिन आपका जन्मदिन पूछ ले, तो किस दिन आपका जन्म हुआ था, तो उसका भी आप दिन बता सकते हैं चुटकियों में। तो 5 मिनट का वीडियो है, पूरा देख के जाएं और सीख के जाएं कि कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सीखते हैं इन क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले हमको याद करना पड़ेगा कि जो हमारे मंथ होते हैं कितने होते हैं, 12 होते हैं। कौन कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे 12 मंथ होते हैं। तो हमको सिर्फ इतना याद करना है कि इन मंथ के कुछ कोड होते हैं, वही कोड याद करना है। वो कोड आपको एक बार याद हो गए तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में कर लेंगे। तो कौन कौन से कोड होते हैं, जनवरी का कोड हमारा होता है कितना, 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6 एंड मई का 1, जून का 4 एंड जुलाई का 6, ठीक है, जुलाई का 6 एंड अगस्त का 2, सितंबर का 5 एंड अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 एंड दिसंबर का 5। तो ये कोड होते हैं मंथ कोड। तो 12 महीने 12 कोड, ये कोड याद कर लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लेंगे। और हमको याद करना पड़ेगा ईयर कोड। सोलह सौ सत्रह सौ अठारह सौ उन्नीस सौ 2021 सौ 2022 सौ 2023 सौ, ठीक है, ये हो गए। इनके भी कुछ कोड होते हैं, कौन कौन से कोड होते हैं, इसका क्या होता है 0, इसका होता है 2, इसका होता है 4 एंड 6। इतना कुछ आप याद कर लेंगे, ज्यादा कुछ याद करना और है नहीं, आप लोग क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। डे कोड भी होते हैं, जैसे कि हमारा कौन कौन से डे होते हैं, मंडे, क्या होता है पहले, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये डे हो गए, 7 दिन हो गए, क्या हो गए, 7 दिन हो गए। तो इनका कोड क्या होता है, संडे का 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, थर्सडे का 3, वेडनेसडे का 4 एंड फ्राइडे का 5 एंड सैटरडे का 6। इतना कुछ हमको याद करना है और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग चुटकियों में कर लेंगे। 5 सेकंड लगेगा आपको एक क्वेश्चन करने में। जैसे कि क्वेश्चन क्या हमारा दिया होता है एग्जाम में अक्सर कि 17 जुलाई 1995 को कौन सा दिन था, या 18 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि कैसे करते हैं इनको। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसा कि हमारा है 22 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा दिन होगा। तो आपको ये ट्रिक पता होगी तो
चुटकियों में क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे कि क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 22 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा कि किस तरह इसको करते हैं, कैसे इसका आंसर आएगा, और आप लोग कैलेंडर खोल के इसका आंसर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको करने का तरीका क्या है, शॉर्टकट ट्रिक है, या क्या दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है तो या क्या लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, 22 नोट डाउन कर लेंगे, प्लस में क्या करेंगे मार्च, तो मार्च का हमको क्या पता होना चाहिए, कोड पता होना चाहिए, यानी कि मंथ कोड पता होना चाहिए, तो मार्च का मंथ कोड कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, फिर ईयर क्या है, 2023, तो इसको क्या कर लेंगे, 23 लिख लेंगे, फिर इसी 23 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 23 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो कितना रहता है, 4 × 5 = 20, यानी 5 टाइम होगा, इसके बाद ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। अब हमको क्या लिखना है, ईयर कोड लिखना है, यानी कि क्या है, 2023, यानी कि ये 2000 कहीं ना कहीं 2000 में तो ही पूरा होगा, तो क्या है 2023, तो इसका कोड कितना है, 6 है, सबको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, इन सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 6 × 5 = 11 = 11 × 3 = 14 एंड 14 को जोड़ते हैं, 14 प्लस 22 23 क्या हो जाएगा, 45/7, फिर क्या हो जाएगा, 549 415/7, इसको काटेंगे, 8 टाइम लगेगा, कितना आ जाएगा, 56, रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, क्या रिमाइंडर बचा, 3 बचा, तुमको पता चल गया कि रिमाइंडर 3 बचा, तो रिमाइंडर 3 को चेक करेंगे अपने डे कोड से, यानी कि 3 किस में आ रहा है, डे कोड में, बिजनेस डे में आ रहा है, यानी कि तो रिमाइंडर 3 हमारा आया है, वो किसका कोड है, तो बिजनेस डे का है, यानी कि बुधवार का। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बस केवल समझना है, और स्टिक से आप लोग ये क्वेश्चन मिनटों या सेकंडों में कर सकते हैं, देख लीजिए, और आप लोग इसका आंसर कैलेंडर खोल के मैच भी कर सकते हैं। अब देखते हैं एक और बढ़िया सा क्वेश्चन, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और एक क्वेश्चन का द्वारा समझते हैं, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, दो अप्रैल 1957 को कौन सा दिन था, को कौन सा दिन था, तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको क्या डेट, मंथ और ईयर पता है, तो आप पता कर सकते हैं कि उस दिन कौन सा दिन था। ठीक है, या प्रेजेंट में या फ्यूचर में, कैसे करेंगे इसको, मैंने बताया था करने को इसको, कि जैसे दिया 2 अप्रैल, तो क्या लिख लेंगे 2 अप्रैल का, ये 2 लिख लेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे। फिर अप्रैल का हमको क्या पता होना चाहिए, मंथ कोड पता होना चाहिए, तो अप्रैल का मंथ कोड क्या होता है, 6 होता है, तो 6 को नोट डाउन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, 1957, तो क्या नोट डाउन करेंगे, 57, और इसी 57 को 4 से डिवाइड करेंगे, किससे, 4 से। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 बन जा 4, 1 बचा हमारा 17 हो गया, 4 × 4 = 16, यानी कि 14 टाइम कटेगा, 57 इसके आगे 4 से नहीं कटने वाला, तो क्या लिख लेंगे, +14। अब प्लस क्या करना है हमको, ईयर कोड देखना है, 1957, यानी कि 1900 में ही होगा ना, 1900 में ही होगा, 1900 से 1999 तक कितनी आएगा, 1900 में आएगा, तो इसका कोड कितना है, 0, यहाँ पे क्या नोट डाउन कर लेंगे, 0 कर लेंगे, और इस सबको क्या कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। अब एक टोटल कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 14 × 6 = 22 + 57/7, तो क्या आ गया, 7 × 9 = 5 / 7/7, तो क्या हो जाएगा, 7 × 1 = 1, ठीक है, फिर 7 × 1 = 1 क्या बचा, 2 बचा, यानी कि रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 2 बचा यहाँ पे, तो 2 किसका कोड है, देखेंगे यहाँ से, किसका, ट्यूजडे का, 2 किसका कोड है, ट्यूजडे का, यानी कि मंगलवार,
तो आप जा करके सब चीजें कैलेंडर में चेक भी कर सकते हैं कि 2 अप्रैल 1997 को कौन सा दिन था, तो आप बताएंगे कौन सा दिन था, ट्यूजडे या मंगलवार था। ठीक है, तो इस ट्रिक की माध्यम से आप लोग कोई भी दिन कैलकुलेट कर सकते हैं। बसरते आपको क्या पता होना चाहिए, डेट पता होना चाहिए, और क्या मंथ और ईयर पता होना चाहिए, तो आप पता कर सकते हैं कि उस दिन कौन सा दिन था। ठीक है, तो शानदार ट्रिक देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ।